कश्मीर जाना जाता है श्रीनगर की डल लेक हाउस बोट्स मुगल गार्डन्स के लिए, गुलमर्ग की गोंडोला राइड और स्कीइंग के लिए, और पहलगाम की बेहद शानदार वादियों के लिए। पर इतना सब होने के बावजूद कश्मीर के इन सब अट्रैक्शंस को आप कर सकते हैं एक लॉन्ग वीकेंड आइटिनरेरी में। आइए आज के वीडियो में हम यही देखते हैं कि इस कश्मीर के ट्रिप को आप 4 nights 5 days की आइटिनरेरी में कैसे पूरा कर सकते हैं। एंड वी स्टार्ट राइट नाउ। वैसे तो कश्मीर जब भी है उसकी खूबसूरती शब्दों में नहीं आ सकती, पर अगर आप एक यादगार विजिट बनाना चाहते हैं तो मार्च से अप्रैल तक का टाइम सबसे अच्छा टाइम है। इस वक्त ना सिर्फ आपको स्नो और स्नो रिलेटेड स्पोर्ट्स मिलेंगे, बल्कि आप यहाँ के मुगल गार्डन्स और बेहद खूबसूरत ट्यूलिप गार्डन का भी मजा ले सकते हैं। और सेफ सिर्फ यही नहीं, मार्च में आपको स्नोफॉल भी मिल सकता है जो आपके ट्रिप में 4 चांद लगा देगा। कश्मीर वैली पहुंचने के 2 रास्ते हैं, फ्लाइट या ट्रेन। सभी मेजर फ्लाइट ऑपरेटर श्रीनगर के लिए दिल्ली से फ्लाइट ऑपरेट करते हैं और इसका रिटर्न फेयर आपको 6,000 से 8,000 रुपये पर हेड तक मिल सकता है, प्रोवाइडेड आप टाइमली बुकिंग करें। यहाँ पहुँचने का दूसरा रास्ता है ट्रेन। जम्मू तक के लिए ट्रेन आपको आसानी से मिल जाएंगे और जम्मू से टैक्सी या बस सर्विस यूज़ करके आप श्रीनगर पहुँच सकते हैं। जम्मू से श्रीनगर पहुँचने में लगभग 8 से 9 घंटे का वक्त लगता है। एक बात ध्यान रखें, इस आइटनरी को फॉलो करने के लिए बेस्ट रहेगा कि आप श्रीनगर अर्ली मॉर्निंग लगभग 9, 10 या 11 बजे तक पहुंच पाएं, सो दैट बाकी का दिन आपके पास स्पेयर रहे जिसमें आप श्रीनगर एक्सप्लोर कर पाएं। श्रीनगर पहुंचने के बाद और होटल चेक इन करने के बाद आज का दिन आप बिताएं यहाँ के गार्डन्स को देखने में। श्रीनगर में हाउस बोट और होटल दोनों ही ऑप्शंस हैं, बट हाउस बोट से आप बार बार निकल के मार्केट आ जा नहीं सकते हैं और आपकी मोबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप होटल स्टे करें और हाउस बोट स्टे लास्ट डे के लिए रखें। यहाँ 4 मेजर गार्डन्स हैं, शालीमार गार्डन, निषाद बाग, परी महल और ट्यूलिप गार्डन। माय पर्सनल रिकमेंडेशन इज परी महल एंड ट्यूलिप गार्डन इफ यू हैव टू चूज बिटवीन दीज 4 गार्डन्स। आज का दिन रखें गुलमर्ग के एडवेंचर के लिए। अर्ली मॉर्निंग निकल जाएं गुलमर्ग से किसी लोकल टैक्सी में। इन केस ऑफ हैवी स्नोफॉल आपकी लोकल टैक्सी हो सकता है सिर्फ टंगमर्ग तक जाए और उसके आगे आपको एक दूसरी चेन्ड व्हील्स वाली टैक्सी लेनी पड़ेगी। टंगमर्ग से गुलमर्ग तक की टैक्सी की कॉस्ट 700 से 800 रुपए तक होती है, जिसे आप बार्गेन कर सकते हैं। गुलमर्ग में आप स्नो स्लेजिंग कर सकते हैं, जिसमें स्लेज वाले आपको यहाँ के कोई 7-8 स्पॉट्स पर लेकर के जाते हैं और पर पर्सन 800 से 1,000 रुपए तक चार्ज करते हैं। पर अगर आप चाहें तो इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं और वॉक करके जा सकते हैं। आप गुलमर्ग का मेरा ये वीडियो देख सकते हैं फॉर अ डिटेल्ड व्लॉग ऑन प्राइसेस एंड माय एक्सपीरियंस ऑफ गुलमर्ग। गुलमर्ग इज फेमस फॉर स्कीइंग एंड गोंडोला राइड, जिसके चार्जेस हैं अराउंड 1200 पर पर्सन फॉर स्कीइंग एंड 700 पर पर्सन फॉर लेवल 1 गोंडोला। लेवल 2 गोंडोला कॉस्ट अराउंड 900 रुपीज पर पर्सन। इसके अलावा गुलमर्ग में एक पुराना टेम्पल भी है जो यहाँ के लास्ट सिटिंग किंग हरि सिंह जी ने बनवाया था, एंड इट ऑफर्स ब्यूटिफुल व्यूज व्हेन स्नो कैप्ड। एक वर्ड ऑफ एडवाइस, जब गुलमर्ग जाएं तो हैवी बार्गेनिंग के लिए रेडी रहें। आज के दिन अर्ली मॉर्निंग निकल जाए पहलगाम के लिए। श्रीनगर से पहलगाम का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर और इसके रास्ते में आपको मिलेंगे केसर के खेत। यहाँ बनी शॉप से आप अपने लिए कश्मीरी केसर परचेज कर सकते हैं। आप केसर परचेज करने के लिए मेरी डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। अगर आप एक क्रिकेट फैन हैं तो इसी रास्ते में आपको कश्मीर विलो बैट बनाने वाली फैक्ट्रीज भी मिलेंगी, जहाँ से आप एक अच्छा क्रिकेट बैट भी परचेज कर सकते हैं। पहलगाम पहुँच के निकल जाएं यहाँ की फेमस वैली जैसे आरू वैली, बेताब वैली और चंदनवाड़ी देखने के लिए। यहाँ जाने के लिए आप अपनी गाड़ी यूज नहीं कर सकते और आपको लोकल टैक्सी स्टैंड से यहाँ की लोकल टैक्सी लेनी होगी। लोकल टैक्सी की रेट्स गवर्नमेंट फिक्स्ड है और एक मारुति इको जैसी गाड़ी के लिए आपको 1900 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। आज की रात पहलगाम में स्टे करें और मैं सजेस्ट करूंगा JKTDC हट्स, जिनकी लोकेशन और रस्टिक चार्म आपका दिल जीत लेगा। इन हट्स को आप JKTDC की ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। आज मॉर्निंग पहलगाम में थोड़ा रिलैक्स करें और यहाँ का मार्केट देखें। आप यहां से पोनी राइड्स भी ले सकते हैं जो आपको तुलियन लेक या लिटिल स्विट्जरलैंड वैली में ले जाएंगे, जिसके लिए घोड़े वाले आपसे 1,000 से 1,500 रुपए तक ही चार्ज करेंगे। ये 2 से 3 घंटे की राइड है जो आप सुबह सुबह आराम से कर सकते हैं। लंच के बाद पहलगाम से श्रीनगर के लिए निकल जाएं। आज शाम श्रीनगर में पहुँच के डल लेक में शिकारा एंजॉय करें। शिकारा राइड के लिए 1,000 से 1,200 रुपीज़ में आप एक पूरा शिकारा ले सकते हैं और 3 से 4 घंटे डल लेक में घूम सकते हैं। आज रात हाउस बोट के अंदर बिताएं
और हो सके तो यहाँ ट्राई करें कश्मीर का फेमस वाजवान। फॉर डिटेल्ड रिव्यू ऑफ माई कश्मीर हाउस बोट्स यू कैन व्यू माई दिस वीडियो। हाउस बोट्स का एक्सपीरियंस पूरा नहीं होता जब तक कि एक मॉर्निंग शिकारा राइड ना ली जाए। दिन की शुरुआत एक शांत शिकारा राइड से करें और फिर तैयारी कर लें कश्मीर को अलविदा कहने की। अगर वक्त बचे तो श्रीनगर का लाल चौक मार्केट विजिट करें और कुछ सुविनियर्स परचेज कर लें। कश्मीर से जाने से पहले यहाँ की नून चाय या पिंक टी जरूर ट्राई करें। वॉच दिस वीडियो फ्रॉम इन्फो कार्ड टू व्यू माई एक्सपीरियंस ऑफ ट्राइंग पिंक टी और नून चाय ऑफ कश्मीर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे एक कमेंट जरूर छोड़ दें एंड प्रेस दैट बेल आइकॉन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस।